यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में पठान सुफियान खान लीडरशिप में ऑफिस ओपनिंग की गई। इस मौके पे वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर का एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा गया। अल्लाह बख्श खान के ATS सर और उदय कुमार सागर सर के हाथों ओपनिंग की गई। चीफ गेस्ट मौजूद रहे सद्दाम हुसैन, DSS मोहम्मद तजामुल, SK एजाज अहमद सेडम जर्नलिस्ट, अफसर सेठ नालवार, इब्राहिम शेख, इमरान शेख, पृथ्वीराज सागर, मैनुद्दीन सौकार, जाफर कैम्बवी और मोहम्मद अयूब, मिस्टर कनकराज रिपोर्टर और मिस्टर फ्लिप कैमरामैन, इन दोनों को यादगिर के जिम्मेदार बनाया गया है। यादगिर टीम अफसर सेठ नालवार के अंडर चलेगी। मिस्टर कनकराज और मिस्टर फ्लिप को सभी ने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दिए। वैसे तो कई सालों से टीम पठान सुफियान खान की टीम यादगिर में काम कर रही है और यादगिर से जुड़े हैं। ऑफिस इसलिए ओपन किए हैं कि एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्राउंड वर्क किया जाए। पठान सुफियान खान सर ने अपने ख्यालों का इजहार करते हुए कहे कि एक रिप्रेजेंट करना है पब्लिक की प्रॉब्लम्स को और हमारी जो टीम है डिजिटल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़ी है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट टीम पठान सुफियान खान मिस्टर अफसर सेठ नालवार के साथ। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज यहाँ यादगिर में हमारा पहला कदम नहीं है जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। काफी सालों से यादगिर से जुड़े हुए हैं और यादगिर में काम कर रहे हैं। आज मौका मिला कि यादगिर में एक ऑफिस ओपनिंग कर फिर से एक स्ट्रांग तरीके से ग्राउंड वर्क किया जाए, जिसमें हमारे कनकराज साहब हैं और फिलिप साहब हैं। कनकराज साहब जो है एक रिपोर्टर की हैसियत से काम करेंगे और फिलिप साहब जो है कैमरामैन की हैसियत से काम करेंगे। ये इनको जो अपॉइंट किया गया है अफसर सेठ जो नालवार के हैं वो उनके अंडर काम करेंगे, उनके अंडर ये टीम चलेगी। साथ ही साथ आज जो यहाँ पर इस ओपनिंग सेरेमनी में ओपनिंग करने के लिए हमारे साथ में जो लोग आए थे, मेरे वालिद साहब जनाब अल्लाह बख्श खान साहब, उदय सागर साहब जो कि हमारे टीम मेंबर के पिताजी हैं पृथ्वीराज सागर साहब के, हमारे सद्दाम साहब और तजमुल साहब और इमरान साहब, खास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सिर्फ न्यूज़ के ताल्लुक से काम नहीं है, एक वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एक रिप्रेजेंट करना है पब्लिक के प्रॉब्लम्स को। अगर कोई रिटर्न में भी काम करना है यानी कि पेपर वर्क काम करना है तो ये वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन काम करेगा। हमारी जो टीम है वो डिजिटल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़ी हुई है। तकरीबन इसमें काफ़ी चैनल्स हैं जो हमारे साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं। यादगिर में जितने भी इश्यूज हैं, मैं चाहता हूं कि यादगिर के जितने भी लोग हैं, जैसे कि सदरम साहब के पास काफ़ी इश्यूज आते हैं वो रेस करते हैं, और साथ में हमारे साथ यहां पर हमारे अयूब साहब और जाफर साहब भी आए हैं, उनका यहां पर रोल रहा है जाफर साहब का, जो कि मीडिया में वो काम भी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि टीम का काम जो है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए। अगर वो काम फेयर रहेगा, टीम बिल्कुल लीगल तरीके से काम करेगी, तो चाहे पॉलिटिकल लीडर हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, उसको किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करके मजा चखाना है, इंशाल्लाह हम चखा के रहेंगे। चाहे वो कौन से भी इश्यूज हो, अब बस आप आगे बढ़िए। और मैं चाहता हूं कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपके सीनियर से एडवाइस लेकर काम करें, और जहां तक पब्लिक इश्यूज हैं उसके ऊपर काम करें, ना कि कोई पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे, ना कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के पीछे। पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उसको बताने का काम करें। टीम जो काम कर रही है, मैं कहना चाहूँगा पृथ्वीराज सागर साहब वो एक बैकबोन की तरह हैं हमारी टीम में। कोई इश्यूज होता है तो डिपार्टमेंट से बात करने के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं, और जहाँ तक सोशल काउज के मामले हैं, सोशल इश्यूज के मामले हैं, हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं हमारे SK एजाज अहमद साहब, जो कि मुसलसिल 3 साल से सेडम में रेलवे स्टेशन, फुटपाथ और बस स्टैंड, कई जगह पे जो गरीब हैं उनको कम से कम एक वक्त के खाने का वो इंतज़ाम करते हैं। बेशक ऊपर वाला खाने का इंतज़ाम करना है, करने वाला है, लेकिन कोशिश वो हर दिन 3 साल से मैं उन्हें देख रहा हूँ कि वो एक दिन भी ऐसा चूकता नहीं। अगर वो कहीं बाहर गए थे तो रात में 9 बजे से पहले
वक्त से पहले, जैसा एक कोई काम होता है जरूरी काम, वैसा वो गरीबों तक खाना पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैं गयाजुद्दीन साहब हैं, काफी लोग हमारी टीम में हैं, अजीमुद्दीन सौकर हैं, और काफी लोग आज ये शूज काफी कम वक्त रहने की वजह से आ नहीं पाए, तो उन लोगों के लिए भी मुबारकबाद। अफसर सेठ का काम वक्फ बोर्ड के इश्यूज और यादगीर के इश्यूज हैं। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ भी एडवाइस करना है तो अफसर सेठ से एडवाइस लें। फिलिप साहब को और कनकराज साहब को और एक बार मुबारकबाद देता हूं। आज खुशी की बात यह है, जो गुलबर्गे में एक छोटे से प्लेटफॉर्म से जो सुफियान खान साहब एक अपनी एक जोश जज्बे के साथ में जो मीडिया में पहला कदम रखते हुए एक 100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यादगीर तक आए, और PNN न्यूज एक सोशल मीडिया पे, एक यूट्यूब और फेसबुक जैसा भी एक सेकंड प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी पकड़ जो लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो देखकर और सुनकर हमें बहुत खुशी होती। और इसी तरह से काम ईमानदारी के साथ में आगे भी करते रहेंगे, हम सब यही उम्मीद करते हैं। और ऐसे ईमानदारी के साथ में काम करने वाले के यादगीर में भी सख्त जरूरत थी, क्योंकि अभी भारत में देखा जाता कि जितने भी गोदी मीडिया है, जो पब्लिक की ग्रैंड लेवल क्या हालात स्थिति है, ये हकीकत किसी को बता नहीं सकते। वैसा काम जो सुफियान खान साहब जो गुलबर्गे में करके बताए, सिर्फ मीडिया के हद तक नहीं, जैसे कि लीडरशिप में पब्लिक के इशू को एक लीड लेकर काम किस तरह से करना, उनका एक ग्रुप को लेकर काम किए, उन ग्रुप को भी मैं हार्दिक दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। सुफियान साहब के साथ में साथ दिए, और इससे बड़ी खुशी की बात यह है इनके वालिद साहब का भी मैं ऐसे नौजवानों में सुफियान खान साहब को एक रोल मॉडल बना के, नौजवान अगर ये सोच रखे अगर चलेंगे तो आगे कोई भी लोग परेशान नहीं होंगे, ये हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और उनके वालिद साहब को हम सलाम करते हैं जो ऐसे बच्चे को जन्म दिए, ऐसे बच्चे को दिए जैसे कि ऐसी सोच, ऐसे जो जज्बे के साथ में आगे काम करते हैं। हम सब लोग इनको सपोर्ट करना चाहिए, यादगीर में आए, और हमारा भी पूरी तरह से जोर के साथ में हमारा सपोर्ट रहेगा, और हक के लिए आगे बढ़ो, हम हक के लिए हम आपके साथ में है। जय भीम जय भारत। इवत्तु ಒಂದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು PNN 24 ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇವು ಎರಡೂ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಏನು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಒಂದು PNN 24ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆಗೆ. ಈ PNN 24 ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಫಿಯಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಏನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ. ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ತೋರಿಸಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಹಿತ ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾ ಇರೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನಾ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾರಾಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಚಿರೋಣ ಇದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು PNN 24 ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರರು ಅವರು ಕೂಡ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಡಿಪ್ಲೋ. ಮೇರೆ ಕೋ ಐಸಾ ಲಗ್ತಾ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ರೋಲ್ ಹೈ. तो मैं बहुत खुश हुआ आप यहाँ तक आके ओपनिंग किए, मेरे को भी एक दो बात करने का मौका दिए, मैं सभी लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मेरे एक दो बात करना चाहता हूँ. थैंक यू. जोड़ा ला जोड़ दीजा वन
ನಡೆಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಹಿರಿಯರಂತ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲೆ ಮರೆಕಾಯಿ ಮೇರೆ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೀಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ ಕೀರ್ತಿ ಹಂಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕುಲಕುಶವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತನ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ಒಂದು ಈ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಮೇರೆ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೀಜಿ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಯಾದಗಿರಿಗಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತಾನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತನಕ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ಈ ಮೂರ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಅಂಗ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆತನನು ನಾವು ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಖಡ್ಗಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಖಡ್ಗ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಂತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂಗ ಇದೆ. ಆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಂಗಕ್ಕೆ ಏರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಾವು ನಮ್ಮ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಭುಜ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. नमस्कार. यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे और हम सबके प्रिय सागर सर और हमारे और हम सबके मार्गदर्शक जो हमें इस राह पर लाने वाले, एक रास्ता दिखाने वाले हमारे रहबर जो है हमारे अल्लाहकर सर, हमारे सुफियान खान साहब के वालिद साहब है, और तर्जमुन सर, इमरान सर, हमारे अफसर सेठ, और खासकर इस मंच के जो ऑर्गेनाइजर जो हमारे कनकराज सर और हमारे सुफियान खान साहब की जो टीम है, पठान सुफियान खान साहब टीम और हमारे सद्दाम हुसैन साहब, इन सबको हम तहे दिल से इस कार्यक्रम के अवसर पर शुक्रगुजार करते हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा मंच यहाँ पर सजाया. और वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर ग्रैंड ऑफिस ओपनिंग एंड ज्वाइनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम साथ में जो रखा हुआ है टीम पठान सुफियान खान यादगीर में, तो मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहूंगा कि देखिए मीडिया जो है ना, मीडिया बखूबी अपना रोल अदा करता है जहां अदा करना है, क्योंकि आज लोगों ने कई जगह पर लांछन भी लगते हैं मीडिया के ऊपर कि भाई मीडिया ऐसा रोल अदा किया, मीडिया वैसा रोल अदा किया. बखूबी हमारे सुफियान खान साहब इसमें माहिर है, इनके लिए एक बार मैं दिल से तालियों की गुजारिश करूंगा आप लोगों से. और साथ ही साथ हम इनके साथ पिछले 2 महीनों से वर्क कर रहे हैं. मैं एक देख रहा हूं जो चितापुर के केस में सुफियान खान साहब बहुत ही जज्बे के साथ मेहनत कर रहे हैं और एक नतीजे पर लाकर रखे है, और नतीजा बहुत जल्द आने वाला है. मैं अभी इस मीडिया का जो वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर है, इस माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए साथ में जर्नलिस्ट और यूनियन सोशल, तो सोशल के माध्यम से आज सोशल जो है समाज में फैल रहे असामाजिक तत्व, तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ ये करूंगा इनका जो है ना नाम पूरे इंडिया में मिले. और साथ ही साथ हमारे अफसर भाई है, जो अफसर भाई का यहाँ पर जो यहाँ यादगीर के अंदर जो बेस बना रहे हैं, इनका मैं अल्लाह से दुआ करूंगा इनका भी बेस हमारे सुफियान खान साहब के साथ मजबूत हो और हम सबकी टीम, हम सबको अल्लाह कामयाब करे और हमारी जो नेक नियत है वहां पर हम जाए. बस इतना ही बेहतर कहते हुए अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ. आप किसी के भी फेवर में काम मत करिए, जैसा कि कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस और बहुत सारे नाम है, बहुत सारे यहाँ पे संघ वगैरह है, वन साइड में आप होकर के यादगीर में आप अपना नाम बदनाम ना करें. कहीं भी प्रॉब्लम चल रहा तो आप हक से जाकर आप काम करिए, ये मेरा कहना है. और कोसो भी अच्छी न्यूज रहते हैं, बुरी न्यूज रहते हैं, आप उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. खान साहब का आपके पीछे हाथ है.